हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती के लिए आपकी प्राचीन भारत की क्लासेस चल रही थी और आज चौथा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट मैं आपको दूंगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं यूपी पुलिस भर्ती 2018 परीक्षा के लिए प्राचीन भारत के, मैं सब खत्म कर दूंगा और आगे आपका मध्यकालीन भारत चलेगा और उसको भी 4 से 5 पार्ट में मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आपका जो भी चीज़ें होंगी और आगे स्टार्ट हो दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका मैंने बता दिया था इसके पहले थर्ड पार्ट में वैदिक सभ्यता तक मैंने बताया था। अब आगे हम कुछ प्रमुख धर्मों के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन हम इसमें वही इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्जाम के बेस ऑफ व्यू से, यूपी पुलिस एग्जाम के बेस ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी अभी देख रहे हैं तो आप इसके पहले 3 पार्ट और देख सकते हैं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्राचीन भारत। और अगर जो नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सैव धर्म की बात करें सबसे पहले प्रमुख धर्मों में, सैव धर्म को भगवान शिव से संबंधित धर्म को सैव धर्म कहा गया, भगवान शिव से संबंधित धर्म को सैव धर्म कहा गया है। और सैव धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लेते हैं। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन आता है आपका, एलोरा का कैलाश मंदिर किससे संबंधित है? तो आपके सैव धर्म से संबंधित है। और यह भी पूछ सकता है किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। और किसने निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये भी पूछ सकता है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वैष्णव धर्म में। वैष्णव धर्म में क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। वैष्णव धर्म में तुम्हारा आपका अंकोरवाट का मंदिर जो कि विष्णुदेव का मंदिर है, वैष्णव धर्म में बनवाया गया था और ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अंकोरवाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और ये विष्णु भगवान का मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अब चलते हैं इस्लाम धर्म में। ये वैष्णव धर्म से इतना ही आता है, बस यही आता है कि ये वैष्णव धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर है? अंकोरवाट का मंदिर है। ये कहाँ स्थित था और इसको किसने बनवाया था? बस यही आता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म में सबसे पहले बात होती है, कोई भी धर्म होता है दोस्तों, तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट होती है आपका संस्थापक कौन था, ठीक है, संस्थापक कौन था। उसके बाद उस धर्म का या फिर कोई वंश हो गया तो उस वंश का संस्थापक कौन था, उस वंश का प्रतापी राजा कौन था, उस वंश का प्रथम राजा कौन था, उस वंश का अंतिम राजा कौन था। वंश की बात हो गई तो नहीं, अब धर्म की बात में देखते हैं। तो धर्म में देखते हैं इस्लाम धर्म में संस्थापक कौन था। संस्थापक इस्लाम धर्म के थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, इन्हें मदीना में दफनाया गया था। जहां मक्का मदीना में जाते हैं वहां इन्हें दफनाया गया था 632 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगम्बर के मक्का से मदीना की यात्रा 24 दिसंबर 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है, जो 24 सितंबर 622। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि हिजरी संवत की शुरुआत या फिर मुस्लिम संवत जिसे बोलते हैं, हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई थी? तो 622 ईस्वी से हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं पैगम्बर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, जो पैगम्बर मोहम्मद साहब के बाद के उत्तराधिकारी आए वो क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। अब आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह साहब थे और इनका जन्म जो हुआ था वो यरूशलेम में हुआ था। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबिल है और इनका जन्म दिवस जो होता है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब देखते हैं इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका धर्म, यहाँ से आपका खत्म हो जाता है। अब देखते हैं मगध राज्य। अब ये सबसे पावरफुल राज्य था उस टाइम का, ठीक है, मगध राज्य। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। मगध राज्य में सबसे पहला कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश, ठीक है। मगध राज्य में आपको बता देता हूँ, हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था, ठीक है। उसके बाद सिकंदर भी इसी टाइम आया था और उसके बाद जैसे ही मगध राज्य पे खत्म होता है उसके बाद मौर्य साम्राज्य का वहाँ उदय हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं चलिए,
इसको हरियक वंश से शुरू करते हैं। तो हरियक वंश का संस्थापक कौन था? हरियक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? हरियक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अब देखते हैं इसमें आजाद शत्रु, हरियक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार ने की थी। अब आजाद शत्रु नेक्स्ट आता है हमारा, आजाद शत्रु जिसे हम कुड़िक कहते हैं। आप क्वेश्चन ये भी आता है कि आजाद शत्रु का किस नाम से जाना जाता है? कुड़िक, या कुड़िक किसका उपनाम है? आजाद शत्रु का। ठीक है, कुड़िक ने या आजाद शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसे इतिहास को पितृहंता कहा गया, इसलिए इसे इतिहास को पितृहंता कहा गया। देखें अब देख एक चीज़ आपको बता देते हैं, हरियक वंश में क्या हुआ था दोस्तों। जैसे अब बिंबिसार गद्दी पे बैठे, बिंबिसार गद्दी पे बैठे जैसे आजाद शत्रु बड़े हुए, तो इन्होंने बिंबिसार की हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी अपना ली। अब इसी तरह उदाइन, उदाइन बड़े हुए तो उदाइन ने क्या किया? आजाद शत्रु की हत्या करके गद्दी को अपना ली। तो ये चीज़ें होती, तो इसलिए इस जो वंश में इसे पितृहंता कहा गया। अब देखते हैं जैसे आजाद शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो इसे इतिहास में पितृहंता कहा गया। उसी तरह उदाइन जो आजाद शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसी तरह उदाइन भी आजाद शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा, और उसने उदाइन ने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि पटना की नगर की स्थापना किसने की, या फिर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदाइन, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हरियक वंश। हरियक वंश का अंतिम शासक हमारा कौन था? नागदशक था। जैसे मैंने बताया था ना, कोई भी वंश आता है तो उसमें बात होती है प्रथम जो स्थापना किया था और अंतिम जो शासक था और जो उसका प्रतापी राजा। तो इसमें याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है, प्रथम स्थापना किसने किया था? हरियक वंश का बिंबिसार ने, और अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और उसका प्रतापी याद कर ले, प्रतापी में आप आजाद शत्रु याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हरियक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, तो नागदशक की देखें, नागदशक, नागदशक के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस वंश का जो स्थापना केस किया था शिशुनाग ने किया था, शिशुनाग ने किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ उदाइन ने जब आजाद शत्रु की हत्या करके उसके बाद पटगद्दी पर जैसे ही बैठा, तो उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और उसे ये अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, अब उसी तरह शिशुनाग जैसे ही आया, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले आया। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कौन लाया राजधानी? शिशुनाग ने। और उसके बाद अब देखिए इसमें इस वंश का जो प्रथम स्थापना किया था शिशुनाग ने किया था, इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, इस वंश का प्रतापी राजा, मैंने बताया था तीन चीज़ें याद रखना है, प्रतापी राजा कौन था? कालाशोक। इस कालाशोक प्रतापी, अब प्रतापी राजा ने क्या किया था? प्रतापी राजा ने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र लेकर आया। इसी के शासनकाल में द्वितीय में बौद्ध संगति हुई थी, इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अब देखते हैं ये चीज़ें हो गई। देखें फिर से बता देते हैं कि शिशुनाग वंश के बारे में, इस वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले आया, और कालाशोक ने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लेकर आया, तथा इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, तथा इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब आते हैं नंद वंश पे। ठीक है, संस्थापक कौन था नंद वंश का? महापद्म नंद। संस्थापक कौन था नंद वंश का? महापद्म नंद। अंतिम शासक था घनानंद, और सिकंदर का समकालीन था। जो घनानंद था वो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, अब देखते हैं नंद वंश हो गया, संस्थापक महापद्म नंद, अंतिम शासक घनानंद, और जो सिकंदर का समकालीन। दोस्तों एक चीज आपको बता देते हैं, नंद वंश महापद्म नंद हुए थे दोस्तों, तो इसी के टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे या फिर प्रधानमंत्री थे उनके राज्य के टाइम में, कौन थे? चाणक्य थे। तो चाणक्य शायद इनसे, चाणक्य से कुछ मतभेद हुआ था, चाणक्य और महापद्म नंद से कुछ मतभेद हुआ था, जिसके कारण चाणक्य ने कहा था कि मैं तुम्हारे गद्दी को छीन लूंगा और ऐसा टाइम आएगा। ठीक है, तो इससे नाराज होकर चाणक्य चले गए थे। तब वो कुछ टाइम बाद आए थे, तो उनके साथ कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तब उस टाइम गद्दी वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चलिए आप आगे, अभी मैं बताता हूँ इस सब चीज़ों को छोड़िए। अब देखते हैं सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। अंतिम शासक घनानंद। अब देखते हैं सिकंदर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर आता रहता है सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं सिकंदर। सिकंदर मैसोडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर मैसोडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और किसका पुत्र था सिकंदर? फिलिप का पुत्र था। और फिलिप कौन था? मैसोडोनिया का शासक था। अब देखते हैं सिकंदर भारत पर विजय जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत विजय 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का सबसे प्रमुख युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, सिकंदर का सबसे प्रमुख युद्ध पोरस के साथ हुआ, जिसे हाइडेस्पी युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध
पोरस के साथ हुआ, जिसे हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकटर था, और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं आगे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य अब देखते हैं, मौर्य में जैसा कि मैंने बताया था महापद्मनंद से हुई थी, महानंद वंश के बाद आपका मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। तो मौर्य वंश की जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक से आपको ये लगेगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड, लेकिन ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। चाणक्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो राजनीति से रिलेटेड थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है जिसका संबंध राजनीति से है, ठीक है। अब देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, और इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? सेलुकस निकटर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार में किसे भेजा था? सेलुकस निकटर को भेजा था, ठीक है। और सेलुकस निकटर कौन था? सेलुकस निकटर सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। अब देखते हैं, सेलुकस निकटर ने अपने राजदूत किसको भेजा था? मेगास्थनीज ने भेजा था, और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक फेमस है जो आती रहती है, इंडिका है, ठीक है। आप देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद किसमें आते हैं? बिंदुसार। ये इनका जो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का, कौन था? बिंदुसार था, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। यह अमित्रघात से नाम से भी जाना जाता है, बिंदुसार अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और ये सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में डायमेकस को भेजा था। अब देखते जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन? आया था मेगास्थनीज आया था। उसी तरह बिंदुसार के दरबार में सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में डायमेकस को भेजा था, ठीक है। अब देखते हैं उसी के बाद, बिंदुसार के बाद कौन आता है? अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ। अब देखते हैं, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कौन, कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने क्या बनवाया था? सांची का जो बौद्ध स्तूप है, सांची का बौद्ध स्तूप है अशोक ने बनवाया था। और अशोक के शिलालेख फेमस है। अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख है, और अष्टम लेख भी हैं, कुछ गुहा लेख भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं अशोक का 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक का 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक ने कलिंग विजय हृदय परिवर्तन, जैसे कलिंग विजय वह हृदय परिवर्तन की बात की। अशोक जैसे युद्ध के बाद, वो युद्ध हुआ था तो उसके बाद घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि इतनी सारी हत्याएं हो गई थी, तो उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और उसके बाद देखते हैं, अशोक का 7वां अभिलेख बहुत लंबा है। 7वां अभिलेख बहुत लंबा है, 7वां अभिलेख। और उसे अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हुआ था, बृहद्रथ हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ हुआ, ठीक है। अब देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसका जानकारी पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य से मिलती है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से मिलती है। यहाँ पर कई क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन तैयार होता है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और किस राजा ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया, और पतंजलि द्वारा। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? पतंजलि से द्वारा रचित महाभाष्य से मिलती है। और पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की? महाभाष्य की रचना की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया था। किसको हराया था? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया था। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता दिया कीजिए कि मुझे अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मैं और अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं शुंग वंश की बात आया था कर्ण वंश, ठीक है। कर्ण वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, और इसका अंतिम शासक जो था सुशर्मा था। बस इससे यही कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं सातवाहन वंश, ये भी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं, और यही 2-3 क्वेश्चन यही बनते हैं। देखते हैं सातवाहन, इस वंश का जो स्थापना था सिमुक ने किया था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक स्थान पे, इस वंश की स्थापना सिमुक ने किया था, तथा इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। और इस वंश का जो अंतिम योग्य शासक था यज्ञश्री सातकर्णी था। अब देखते हैं नेक्स्ट, चेदी वंश। चेदी वंश में क्या है? इस वंश का जो शासक था, प्रमुख शासक खारवेल था।
और इस विषय में जानकारी हमें उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, चेरी वंश का प्रमुख शासक खारवेल हुआ, इस विषय की जानकारी हमें उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत पर विदेशियों का आक्रमण। ठीक है, भारत पर विदेशी का आक्रमण, भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था विदेशी, वो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने 1190 ईस्वी में किया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण, विदेशी आक्रमण, बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में किया था। इंडो यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था, इंडो यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था, मिनांडर था। अब देखते हैं शक शासक, अभी ये यहाँ तो आपका ये वर्धन वंश पर तक जाएगा, वर्धन वंश के बाद आपका नेक्स्ट आधुनिक जो मिडाइवर हिस्ट्री है वो चालू होती है। अब शक शासक में देखते हैं, शक शासकों में दोस्तों शक शासकों में सबसे प्रतापी जो था वो रुद्रदमन प्रथम था जिसने मौर्यकालीन सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, मौर्य सुदर्शन झील किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और ये शकों ने, इसमें जो प्रतापी राजा था रुद्रदमन प्रथम ने, इसने उस झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब फिर से सही करवाया था। अब देखते हैं रुद्रदमन प्रथम ने ही विशुद्ध संस्कृत भाषा को, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। रुद्रदमन प्रथम ने ही विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कुषाण वंश, इस वंश का जो स्थापना थी वो कुजुल कडमिसेस था, स्थापना जो किसने किया था कुजुल कडमिसेस, और इस वंश का जो प्रतापी राजा था कनिष्क था, और जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था जो भारत में प्रयोग में लाया जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से होता है, और किसने चलाया था, प्रतापी राजा कनिष्क ने, ठीक है, भारत में चलाया था। अब देखते हैं इस वंश का जो राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी, पुरुषपुर या पेशावर, कनिष्क वंश जो कुषाण वंश की थी। अब देखते हैं कनिष्क का जो राजवैद्य था चरक था, कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की, चरक संहिता की रचना किसने थी, चरक ही ने की थी, और चरक के राजवैद्य था कनिष्क का। ठीक है, और कनिष्क का जो राजकवि था अश्वघोष था, जिसने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित होता है, और जिसकी रचना किसने की थी, कनिष्क का राजकवि अश्वघोष ने। ठीक है, अब देखते हैं गुप्त वंश, गुप्त वंश में देखते हैं स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किया था, और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त ने किया था, उसका उत्तराधिकारी हमारा घटोत्कच हुआ। और समुद्रगुप्त देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और जिसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिषेण था, और ये प्रयाग हरिषेण ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी, हरिषेण ने जो चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था उसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय इसी के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था आपका कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कालिदास थे, और चंद्रगुप्त के दरबार में प्रमुख व्यक्ति जो बैठते थे वो आर्यभट्ट थे, बारह मिहिर थे, और धन्वंतरी थे। अब देखते हैं कुमार गुप्त से रिलेटेड क्या, ये जो टोटल चीज़ें मैं बताता हूँ ये गुप्त वंश से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आप अगर जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते होंगे या फिर इससे पहले पेपर दिए होंगे तो आपको लग रहा होगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछे हुए। कुमार गुप्त से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुमार गुप्त से रिलेटेड है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। अब देखते हैं स्कंद गुप्त, होड़ों का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, स्कंद गुप्त के शासनकाल में। अब देखते हैं जूनागढ़ लेख और भीतरी लेख व इंदौर लेख किससे संबंधित था, स्कंद गुप्त से संबंधित, जूनागढ़ लेख, भीतरी लेख व इंदौर लेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। अब देखते हैं वर्धन वंश, दोस्तों वर्धन वंश का जो स्थापना था पुष्यभूति था, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, और हर्षवर्धन इस वंश का प्रतापी राजा व अंतिम शासक था, हर्षवर्धन इस वंश का प्रतापी शासक हुआ, प्रतापी राजा हुआ, और अंतिम शासक भी यही था। और हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो हर्षचरित था और कादंबरी था, और इसी के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में ही हिंसा आया था, और हर्षचरित व पुलकेसिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। तो ये था दोस्तों टोटल आपका प्राचीन भारत, और ख़त्म हो गया इसी की तरह, तो आपका मिडाइवल हिस्ट्री चालू हो जाएगा। ये मिडाइवल हिस्ट्री जो मैं चालू करूँगा दोस्तों वो 20 तारीख तक मैं स्टार्ट कर दूँगा, 20 तारीख तक आपको, 20 से 23 तक आपको 3 से 4 दिनों में मिडाइवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया इसलिए आराम से देखिए और नोट बनाते चलिए, और जैसे ही व्हाट्सअप ग्रुप बन जाता है आप लोगों के लिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो देखते रहिए एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।